नमस्कार दोस्तों मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर आज की वीडियो में हम सी एग्जाम मई 2023 के लिए कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को समझने वाले हैं यह हमारा CPCT एग्जाम मई 2023 के लिए पार्ट नंबर 13 है इस वीडियो में हम सी एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित ट्वेंटी इंपोर्टेंट क्वेश्चन को समझने वाले हैं यदि आप सीपीसीटी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे वीडियोस के माध्यम से सीपीसीटी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं और अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कंप्यूटर की ब्लैंक जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया जाता है कंप्यूटर की ब्लैंक जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया जाता है यह क्वेश्चन कंप्यूटर जनरेशन से संबंधित है हमें एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें हमसे पूछा गया है कंप्यूटर की किस जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया जाता है यह क्वेश्चन कंप्यूटर जनरेशन से संबंधित है और यह टॉपिक एग्जाम के लिए एक इंपोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि कंप्यूटर की जनरेशन से संबंधित एक दो क्वेश्चन पेपर में जरूर पूछे जाते हैं आपको यहाँ पर चार पांच क्वेश्चन तैयार करने हैं पहला क्वेश्चन बनता है कंप्यूटर की टोटल कितनी जनरेशन होती है तो कंप्यूटर सिस्टम की टोटल पांच जनरेशन होती हैं, जो कि फर्स्ट जनरेशन से लेकर फिफ्थ जनरेशन तक होती हैं। कंप्यूटर सिस्टम की टोटल पांच जनरेशन जो कि फर्स्ट जनरेशन से लेकर फिफ्थ जनरेशन तक है आपको पांचों जनरेशन की टेक्नोलॉजी याद करनी है कि किस जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर हैं इसमें वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता है सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता है ट्रांजिस्टर थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में आईसी का यूज किया जाता है आईसी जिसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट इंटीग्रेटेड सर्किट और फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर सिस्टम से माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया जाने लगा और यह माइक्रो प्रोसेसर वी एल एस आई टेक्निक पर आधारित है वी एल एस आई मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर से माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया जाने लगा और फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में जो माइक्रो प्रोसेसर है वह वी एल एस आई टेक्निक पर वर्क करते हैं वी एल एस आई का फुल फॉर्म होता है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और जो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर सिस्टम है यह आधारित है यू एल एस आई मतलब अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और ए आई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो यह होती है कंप्यूटर की टोटल पांच जनरेशन और उनकी टेक्नोलॉजी हमसे क्वेश्चन पूछा गया था आईसी का यूज इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किस जनरेशन में किया जाता है वह किया जाता है थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में आईसी का उपयोग किया जाता है देखते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक सेकेंडरी स्टोरेज का एग्जाम्पल है ब्लैंक सेकेंडरी स्टोरेज का एग्जाम्पल है यह क्वेश्चन कंप्यूटर मेमोरी से संबंधित है हमें चार मेमोरी के नाम दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है ब्लैंक सेकेंडरी स्टोरेज का एग्जाम्पल है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कौन सी होती है वह मेमोरी जो डायरेक्ट सीपीयू के कांटेक्ट में नहीं होती हैं, वह मेमोरी जो डायरेक्ट सीपीयू से कनेक्ट नहीं होती हैं, उन्हें कहा जाता है सेकेंडरी मेमोरी और वह मेमोरी जो डायरेक्ट सीपीयू से कनेक्ट होती हैं, उन्हें कहा जाता है प्राइमरी मेमोरी तो ऑप्शन नंबर ए है रजिस्टर रजिस्टर तो एक प्राइमरी मेमोरी है रोम रोम भी एक प्राइमरी मेमोरी है रैम रैम भी एक प्राइमरी मेमोरी है लेकिन एच डी एक सेकेंडरी मेमोरी है एच का फुल फॉर्म होता है हार्ड डिस्क ड्राइव हार्ड डिस्क ड्राइव एच का फुल फॉर्म होता है हार्ड डिस्क ड्राइव जो कि एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती है तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो हार्ड डिस्क ड्राइव होती है वह एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती है तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपको कुछ और क्वेश्चन तैयार करने हैं रोम रोम एक प्राइमरी मेमोरी होती है जिसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी रैम भी एक प्राइमरी मेमोरी होती है जिसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी रजिस्टर भी एक प्राइमरी मेमोरी है जो कि सीपीयू के अंदर प्रोसेसर के अंदर होती है और यह कंप्यूटर सिस्टम में सबसे छोटी और सबसे फास्ट मेमोरी होती है तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एच डी डी हार्ड डिस्क ड्राइव एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती है देखते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन है सीपीयू सेकेंडरी मेमोरी से इंफॉर्मेशन कैसे रीड करता है सीपीयू सेकेंडरी मेमोरी से इंफॉर्मेशन कैसे रीड करता है सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसे प्रोसेसर भी कहा जाता है जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन होता है दिमाग होता है कंप्यूटर सिस्टम में जो भी प्रोसेसिंग की जाती है वह सभी सीपीयू के माध्यम से की जाती है हमसे क्वेश्चन पूछा गया है सीपीयू सेकेंडरी मेमोरी से इंफॉर्मेशन कैसे रीड करता है मतलब सीपीयू के पास जो डेटा आता है वह सेकेंडरी मेमोरी से किस प्रकार आता है सीपीयू क्या डायरेक्ट एक्सेस करता है डेटा को सेकेंडरी मेमोरी से थ्रो रैम के थ्रो हार्ड डिस्क के या थ्रो फ्लॉपी डिस्क के यहाँ पर हम एक डायग्राम से इस क्वेश्चन को समझने वाले हैं हमारे कंप्यूटर में सारा डेटा सारा प्रोग्राम सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होता है सेकेंडरी मेमोरी में, में लेकिन सेकेंडरी मेमोरी की साइज बड़ी होती है यह अधिक मात्रा में डेटा स्टोर करती है इसलिए सेकेंडरी मेमोरी की स्पीड स्लो होती है सभी प्रकार की प्रोसेसिंग सीपीयू करता है प्रोसेसर करता है और सीपीयू की स्पीड होती है बहुत फास्ट तो सीपीयू को जिस डेटा की आवश्यकता होती है उस डेटा को सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में लाया जाता है प्राइमरी मेमोरी में प्राइमरी मेमोरी में मतलब रैम में फिर रैम से डेटा को भेजा जाता है सीपीयू के पास सेकेंडरी मेमोरी बहुत अधिक मात्रा में डेटा को स्टोर करती है इसकी कैपेसिटी अधिक होती है इसलिए इसकी स्पीड स्लो होती है इसलिए सीपीयू को जिस डेटा की आवश्यकता होती है उस डेटा को पहले लाया जाता है रैम में मतलब प्राइमरी मेमोरी में फिर प्राइमरी मेमोरी से डेटा को भेजा जाता है सीपीयू के पास यहां पर सीपीयू और रैम के बीच में भी एक मेमोरी वर्क करती है जो कहलाती है कैश मेमोरी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन सी मेमोरी सीपीयू और रैम के बीच में वर्क करती है वह होती है कैश मेमोरी मतलब जो सीपीयू है वह प्राइमरी मेमोरी से रैम से डेटा लेता है तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी थ्रो रैम सीपीयू सेकेंडरी मेमोरी से इंफॉर्मेशन को रैम के द्वारा रीड करता है प्राइमरी मेमोरी के द्वारा तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी थ्रो रैम देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन कंप्यूटर की सबसे छोटी और सबसे तेज मेमोरी है निम्न में से कौन कंप्यूटर की सबसे छोटी और सबसे तेज मेमोरी है इस क्वेश्चन का आंसर हमने आज की वीडियो में ही एक प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था हमसे क्वेश्चन पूछा गया है निम्न में से कौन कंप्यूटर की सबसे छोटी और सबसे तेज मेमोरी है कंप्यूटर के अंदर सबसे छोटी और सबसे तेज मेमोरी होती है रजिस्टर रजिस्टर एक मेमोरी है जो कि सीपीयू मतलब प्रोसेसर के अंदर इनबिल्ट होती है यह कंप्यूटर के अंदर साइज में सबसे छोटी और स्पीड में सबसे अधिक फास्ट मेमोरी होती है रजिस्टर एक मेमोरी का टाइप है जो कि सीपीयू मतलब प्रोसेसर के अंदर ही होती है यह कंप्यूटर सिस्टम में सबसे छोटी और सबसे फास्ट मेमोरी होती है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रजिस्टर आपको पर तीन क्वेश्चन और तैयार करने हैं रैम का फुल फॉर्म क्या होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी डी रैम का फुल फॉर्म क्या होता है डी रैम रैम का एक टाइप होता है जिसका फुल फॉर्म होता है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और सीडी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कंप्यूटर में सबसे छोटी और सबसे तेज मेमोरी रजिस्टर होती है हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है एमपीईजी में ई e का क्या मतलब होता है एमपीईजी में ई e का क्या मतलब होता है एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया है हमें एक शॉर्ट फॉर्म दिया गया है एमपीईजी जिसमें हमसे एक कैरेक्टर ई e का फुल फॉर्म पूछा गया है एमपीईजी क्या होता है एमपीईजी एक फाइल फॉर्मेट होता है या एक एक्सटेंशन होता है फाइल फॉर्मेट या एक्सटेंशन है एमपीईजी जो कि वीडियो फाइल के साथ यूज किया जाता है वीडियो जो एमपीईजी है यह एक फाइल फॉर्मेट है एक एक्सटेंशन एक है जो कि वीडियो फाइल के साथ यूज किया जाता है एमपीईजी का फुल फॉर्म होता है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप एमपीईजी का फुल फॉर्म होता है तो एमपीईजी में ई e का मीनिंग होता है एक्सपर्ट मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप एमपीईजी का फुल फॉर्म होता है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी MPEG में ई का फॉर्म एक्सपर्ट होता है क्योंकि MPEG का फॉर्म है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को ब्लैंक मतलब पहुंच नियंत्रण प्रणाली का एग्जाम्पल है ब्लैंक एक्सेस कंट्रोल सिस्टम मतलब कि पहुंच नियंत्रण प्रणाली का एग्जाम्पल है एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन एक्सेस कंट्रोल सिस्टम का एग्जाम्पल है एक्सेस कंट्रोल सिस्टम क्या होता है एक्सेस कंट्रोल सिस्टम यह डिसाइड करता है यह निर्धारित करता है कि कौन से यूजर को किस रिसोर्स का एक्सेस दिया गया है या एक्सेस नहीं दिया गया है मतलब किसी रिसोर्स का एक्सेस किस यूजर के पास है या नहीं है यह चेक करता है एक्सेस कंट्रोल सिस्टम एक्सेस कंट्रोल सिस्टम में यूजर की पहचान को कई तरीके से चेक किया जाता है जैसे कि यूजर के थंब एक्सप्रेशन को स्कैन किया जाता है फिंगरप्रिंट को स्कैन किया जाता है फेस डिटेक्शन का यूज किया जाता है वॉइस रिकॉग्निशन का यूज किया जाता है इसी के साथ साथ रेटिना को भी स्कैन किया जाता है मतलब किसी यूजर की पहचान को चेक करने के लिए उसको वेरीफाई करने के लिए एक्सेस कंट्रोल सिस्टम का यूज किया जाता है जो कि कई प्रकार से हो सकता है जैसे कि फिंगरप्रिंट को स्कैन करके थम्ब एक्सप्रेशन को स्कैन करके फेस डिटेक्शन का यूज करके रेटिना स्कैन करके वॉइस रिकॉग्निशन का यूज करके तो हमसे क्वेश्चन सिस्टम का एग्जाम्पल है वह हो जाएगा वॉइस वॉइस रिकॉग्निशन रिकॉग्निशन मतलब किसी यूजर को उसकी आवाज से पहचानना यूजर की आवाज को स्कैन करके चेक करके उसको पहचानने के लिए वॉइस रिकॉग्निशन का यूज किया जाता है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वॉइस रिकॉग्निशन एक्सेस कंट्रोल सिस्टम का एग्जाम्पल है देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर नेटवर्क में बीपीएन का फुल फॉर्म क्या होता है कंप्यूटर नेटवर्क में बीपीएन का फुल फॉर्म क्या होता है यह क्वेश्चन कंप्यूटर नेटवर्क से पूछा गया है कंप्यूटर नेटवर्क से कंप्यूटर नेटवर्क में BPN का फुल फॉर्म फुलफॉर्म होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क जो किसी पब्लिक नेटवर्क को प्राइवेटली यूज करने के लिए यूज किया जाता है यदि हमें किसी पब्लिक नेटवर्क नेटवर्क को प्राइवेटली यूज करना है प्राइवेट तरीके से यूज करना है तो उसके लिए बीपीएन का यूज किया जाता है और बीपीएन का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बीपीएन का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन है वेब ब्राउजर एक ब्लैंक सॉफ्टवेयर है वेब ब्राउज़र एक ब्लैंक सॉफ्टवेयर है हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि वेब ब्राउजर क्या है ऑप्शन नंबर ए है सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑप्शन नंबर बी है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑप्शन नंबर सी है साइंटिफिक सॉफ्टवेयर ऑप्शन नंबर डी है बिजनेस सॉफ्टवेयर वेब ब्राउजर एक ब्लैंक सॉफ्टवेयर है वेब ब्राउजर क्या होता है वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कि किसी वेब पेज या वेबसाइट को ओपन करने के लिए यूज किया जाता है यदि हमें अपने कंप्यूटर पर लैपटॉप पर मोबाइल पर किसी वेब पेज को या वेबसाइट को ओपन करना है तो वेब ब्राउजर की आवश्यकता होती है वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जैसे कि गूगल क्रोम ओपेरा मिनी मोजिला फायरफॉक्स इंटरनेट एक्सप्लोरर एप्पल सफारी यह सभी वेब ब्राउजर के एग्जाम्पल होते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है देखते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट के माध्यम से गुड्स और सर्विसेज की खरीदी और बिक्री को ब्लैंक कहते हैं इंटरनेट के माध्यम से गुड्स और सर्विसेस की खरीदी और बिक्री को ब्लैंक कहते हैं एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि यदि इंटरनेट के माध्यम से हम किसी वस्तु या सेवा को परचेस और सेल करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है जब हम इंटरनेट और टेक्नोलॉजी के माध्यम से किसी वस्तु या सेवा को खरीदते हैं या बेचते हैं तो उसे कहा जाता है ई कॉमर्स ई e कॉमर्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इंटरनेट और टेक्नोलॉजी का उपयोग करके वस्तुओं को खरीदना और बेचना क्या कहलाता है ई कॉमर्स ई कॉमर्स का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंटरनेट के माध्यम से गुड्स और सर्विसेस की खरीदी बिक्री को ई e कॉमर्स कहा जाता है देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी नेटवर्क के माध्यम से अन्य लोगों को पत्र जैसे कुछ संदेश भेजना क्या कहलाता है किसी नेटवर्क के माध्यम से अन्य लोगों को पत्र जैसे कुछ संदेश भेजना क्या कहलाता है हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि नेटवर्क के माध्यम से अदर यूजर्स को यदि हमें लेटर जैसा कोई मैसेज भेजना है तो हम उसके लिए क्या कह सकते हैं किसका उपयोग कर सकते हैं यदि आपको नेटवर्क के माध्यम से या इंटरनेट के माध्यम से किसी अदर यूजर को लेटर भेजना है कोई पत्र भेजना है तो आप ईमेल का यूज कर सकते हैं ईमेल का ईमेल मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल जो कि इंटरनेट के माध्यम से आपको कोई लेटर कोई डॉक्यूमेंट कोई इंफॉर्मेशन सेंड करने की सुविधा प्रदान करता है मतलब किसी नेटवर्क के माध्यम से अन्य लोगों को पत्र जैसे कुछ संदेश भेजना ईमेल कहलाता है ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल पहला ईमेल सन 1971 में भेजा गया था जो कि रे टॉम लिंसन के द्वारा भेजा गया था इसलिए इन्हें फादर ऑफ ईमेल भी कहा जाता है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ईमेल किसी नेटवर्क के माध्यम से अन्य लोगों को पत्र जैसे कुछ संदेश भेजना ईमेल कहलाता है देखते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस एस में सेल कंटेंट को एडिट करने के लिए किस फंक्शन की का उपयोग किया जाता है एमएस एक्सेल में सेल कंटेंट को एडिट करने के लिए किस फंक्शन की का उपयोग किया जाता है यह क्वेश्चन एमएस एक्सेल से पूछा गया है एमएस एक्सेल में यदि आपने सेल में कोई डेटा भरा है कोई वैल्यू भरी है तो वह कहलाता है सेल का कंटेंट यदि हमें उसमें कुछ बदलाव करना है चेंजेस करना है मतलब उसे एडिट करना है तो हम कौन सी फंक्शन की का उपयोग कर सकते हैं एमएस एक्सेल में जो भी सेल का कंटेंट होता है फॉर एग्जाम्पल यह हमारा सेल है सेल क्या होता है एक रो और कॉलम का इंटरसेक्शन जब एक रो और कॉलम मिलता है तो सेल क्रिएट होता है हमने यहां पर कोई डेटा भरा है कोई वैल्यू भरी है इसको हमें एडिट करना है तो एडिट करने के लिए तीन तरीके होते हैं एक तरीका होता है आप इस सेल पर डबल क्लिक करें डबल क्लिक माउस से डबल क्लिक करके हम सेल के कंटेंट को एडिट कर सकते हैं दूसरा तरीका होता है एफ टू फंक्शन की से और तीसरा तरीका होता है फॉर्मूला बार से आप सेल के कंटेंट को तीन तरीके से एडिट कर सकते हो सेल पर डबल क्लिक करके या सेल को सिलेक्ट करने के बाद एफ टू की से या फिर उस सेल को सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मूला बार से एक्सल के कोई भी सेल में जो भी कंटेंट भरा गया है उसको हम तीन तरीके से एडिट कर सकते हैं यहाँ पर हमसे शॉर्टकट की फंक्शन की पूछी गई थी जो कि होती है एप टू सेल के कंटेंट को एफ टू फंक्शन की से एडिट किया जा सकता है इसको हम एक्सेल पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं यह एक्सेल सॉफ्टवेयर है यदि हम यहां पर कोई डेटा भरते हैं फॉर एग्जाम्पल हमने एक सेल में कोई नंबर टाइप किया है अब यदि हमें इस नंबर को एडिट करना है तो एक तरीका होता है हम इस पर डबल क्लिक कर दें डबल क्लिक करके हम इसमें एडिटिंग कर सकते हैं दूसरा तरीका होता है सेल को सिलेक्ट करें और F2 की को प्रेस करें आप इस सेल को एडिट कर सकते हैं तीसरा तरीका होता है सेल को सिलेक्ट करें और फॉर्मूला बार से आप सेल के कंटेंट को एडिट कर सकते हैं तो एक्सेल में सेल के कंटेंट को एडिट करने के तीन तरीके होते हैं इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस वर्ड में चेंज केस की क्या शॉर्टकट की होती है एमएस वर्ड में चेंज केस की क्या शॉर्टकट की होती है एक क्वेश्चन पूछा गया है एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर से चेंज केस की क्या शॉर्टकट की होती है यहाँ पर आपको चेंज केस टॉपिक से संबंधित कई प्रकार के क्वेश्चन तैयार करने मिलेंगे पहला क्वेश्चन बनता है कि चेंज केस ऑप्शन की शॉर्टकट की क्या होती है शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस एफ थ्री चेंज केस ऑप्शन की क्या होती है प्लस वर्ड में टोटल पांच प्रकार के केस यूज किए जाते हैं पांच प्रकार के एम एस वर्ड में टोटल पांच प्रकार के केस यूज किए जाते हैं एमएस वर्ड का डिफॉल्ट केस होता है सेंटेंस केस सेंटेंस केस वर्ड का डिफॉल्ट केस होता है जिसमें कंप्लीट सेंटेंस के फर्स्ट लेटर को कैपिटल में टाइप किया जाता है और बाकी सभी लेटर को स्मॉल में टाइप किया जाता है एमएस वर्ड में टोटल होते हैं पांच केस शॉर्टकट की होती है सिफ्ट प्लस एफ थ्री डिफॉल्ट केस होता है सेंटेंस केस लेकिन शॉर्टकट की से केवल तीन केस यूज किए जाते हैं यदि आप सिफ्ट प्लस एफ थ्री से केस चेंज करेंगे तो आप केवल तीन प्रकार के केस चेंज कर सकते हैं लेकिन होते टोटल पांच होते हैं और जो चेंज केस ऑप्शन है यह एम एस वर्ड के होम टैब में फॉन्ट ग्रुप के अंतर्गत प्राप्त होता है फॉन्ट ग्रुप में तो यहाँ पर हमने चेंज केस से संबंधित कई इंफॉर्मेशन को एक साथ समझा जैसे कि चेंज केस की शॉर्टकट की होती है सिफ्ट प्लस एफ थ्री टोटल पांच प्रकार के केस होते हैं डिफॉल्ट केस होता है सेंटेंस केस चेंज केस नाम का ऑप्शन होम टैब में फॉन्ट ग्रुप में प्राप्त होता है अब हम इसको प्रैक्टिकली एमएस वर्ड पर देखने वाले हैं चलते हैं एमएस वर्ड पर यह हमारा एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर है जिसमें हमने कुछ सैंपल टेक्स्ट टाइप किया है अब यदि हम इसका केस चेक करें तो हमें होम टैब में फॉन्ट ग्रुप के अंदर एक ऑप्शन दिया जाता है चेंज केस बाय डिफॉल्ट होता है सेंटेंस केस बाय डिफॉल्ट कौन सा केस होता है सेंटेंस केस इसके अलावा यहां पर टोटल पांच केस होते हैं दूसरा है लोअर केस लोअर केस मतलब पूरा टेक्स्ट स्मॉल लेटर में टाइप किया जाता है तीसरा होता है अपर केस जिसमें कंप्लीट टेक्स्ट को कैपिटल लेटर में टाइप किया जाता है एक होता है कैपिटलाइज वर्ड या कैप्सलाइज वर्ड जिससे हर शब्द का पहला अक्षर कैपिटल में टाइप कर दिया जाता है और एक होता है टॉगल केस टॉगल केस क्या करता है स्मॉल लेटर को कैपिटल में बदल देता है और कैपिटल लेटर को स्मॉल में बदल देता है मतलब केस को रिवर्स कर देता है यदि आपने कोई टेक्स्ट सिलेक्ट किया और आप इस पर टॉगल केस का यूज करेंगे तो जो लेटर जो कैरेक्टर स्मॉल में लिखा होगा वह कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा और जो कैपिटल में लिखा होगा वह स्मॉल में कन्वर्ट हो जाएगा यह कहलाता है टॉगल केस जो कि केस को रिवर्स कर देता है तो यहां पर हमने चेंज केस से संबंधित कई क्वेश्चन तैयार करे इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी चेंज केस की शॉर्टकट की सिफ्ट प्लस एफ थ्री होती है देखते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन है एम एस में करंट डेट एंड टाइम को शो करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है एम एस में करंट डेट एंड टाइम को शो करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है एमएस एमएसएक्सएल से क्वेश्चन पूछा गया है और डेट एंड टाइम कैटेगरी के फंक्शन से हमसे क्वेश्चन पूछा गया है एमएस एक्सएल में करंट डेट एंड टाइम को शो करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है यहाँ पर आपको चार क्वेश्चन तैयार करने हैं एक साथ चार क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन पूछा गया है करंट डेट और टाइम को शो करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है करंट डेट और टाइम को शो करता है नाव फंक्शन फंक्शन एमएस एक्सएल में करंट डेट और करंट टाइम को शो करता है यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है करंट डेट को शो करने के लिए किस फंक्शन का यूज किया जाता है तो वह होता है टुडे फंक्शन टुडे फंक्शन केवल करंट डेट को शो करता है जबकि नॉ फंक्शन करंट डेट और टाइम दोनों को शो करता है मतलब एमएस एक्सएल में यदि हमें केवल करंट डेट शो करनी है तो होता है टुडे फंक्शन और यदि हमें करंट डेट और टाइम दोनों को शो करना है तो यूज होता है नाव फंक्शन अभी हमने दो क्वेश्चन तैयार करे अब हम और दो क्वेश्चन को और इन दोनों फंक्शन को एक्सेल पर प्रैक्टिकली समझने वाले हैं चलते हैं एमएस एक्सेल पर यदि हमें एमएस एस में करंट डेट इंसर्ट करनी है तो उसके लिए हम टुडे फंक्शन को यूज करते हैं टुडे आप देख सकते हैं टुडे फंक्शन हमें आज की डेट शो कर रहा है और यदि हमें करंट डेट और टाइम दोनों शो करने हैं तो हम नाव फंक्शन का यूज करेंगे नाव फंक्शन नाव फंक्शन करंट डेट और टाइम दोनों को शो करता है जबकि टुडे फंक्शन केवल करंट डेट को शो करता है आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है करंट डेट को शो करने की शॉर्टकट की क्या होती है एक्सेल में करंट डेट को शो करने के लिए कंट्रोल के साथ सेमी कॉलन का यूज किया जाता है कंट्रोल प्लस से करंट डेट शो होती है और कंट्रोल कॉलन से करंट टाइम शो होता है कंट्रोल शिफ्ट कॉलन से करंट टाइम शो होता है और कंट्रोल सेमी कॉलन से करंट डेट शो होती है तो यहां पर हमने दो फंक्शन समझे और दो शॉर्टकट की समझी करंट डेट को शो करने के लिए टुडे फंक्शन करंट डेट एंड टाइम को शो करने के लिए नाउ फंक्शन करंट डेट को शो करने की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन और करंट टाइम को शो करने की शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट कॉलन यहां पर हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नाउ फंक्शन एक्सल में करंट डेट एंड टाइम शो करने के लिए नाउ फंक्शन का यूज किया जाता है देखते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन है माउस का इन्वेंशन किसके द्वारा किया गया है माउस का इन्वेंशन किसके द्वारा किया गया है माउस का आविष्कार किसने किया है हमें बताना है माउस क्या है माउस एक इनपुट डिवाइस है जिसे पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है माउस एक इनपुट डिवाइस होती है जिसे पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है और माउस का इन्वेंशन या आविष्कार डगलस एंजल वार्ट के द्वारा किया गया है डगलस एंजल वार्ट के द्वारा माउस का इन्वेंशन या आविष्कार किया गया है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए माउस जो की एक इनपुट डिवाइस है पॉइंटिंग डिवाइस है माउस का आविष्कार डगलस एंजल वार्ट के द्वारा किया गया है देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन है आइकंस फाइल्स का एक्सटेंशन क्या होता है आइकंस फाइल्स का एक्सटेंशन क्या होता है हमसे एक एक्सटेंशन पूछा गया है आइकन फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है आइकन क्या होते हैं आइकन एक स्मॉल साइज का ग्राफिक्स होता है आइकन एक स्मॉल साइज का ग्राफिक्स होता है जो कि किसी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है ऑब्जेक्ट मतलब फाइल होल्डर प्रोग्राम फीचर सॉफ्टवेयर सबका अपना एक फिक्स आइकन होता है कंप्यूटर सिस्टम में किसी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक स्मॉल साइज का ग्राफिक्स यूज किया जाता है जिसे कहा जाता है आइकन और आइकन जो फाइल होती हैं उनका एक्सटेंशन होता है डॉट आईसीओ डॉट आपको आइकन की स्पेलिंग से स्टार्टिंग के तीन कैरेक्टर याद रखने हैं आईकन्स फाइल का एक्सटेंशन होता है डॉट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्मॉल साइज के ग्राफिक्स को क्या कहा? कहा जाता है जो किसी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है उसे कहा जाता है आइकन और आइकन फाइल्स का एक्सटेंशन होता है, .ico, देखते हैं हमारे, को, है एक ब्लैंक में कमांड्स होते हैं जिन्हें सिलेक्ट किया जा सकता है एक ब्लैंक में कमांड्स होते हैं जिन्हें सिलेक्ट किया जा सकता है हमसे क्वेश्चन पूछा गया है एक ब्लैंक में मल्टीपल कमांड्स होते हैं मतलब मल्टीपल ऑप्शन होते हैं जिन्हें सेलेक्ट किया जा सकता है तो जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं कोई सॉफ्टवेयर रन करते हैं उसमें मेन्यू होते हैं मेन्यू मेन्यू के अंदर मल्टीपल कमांड्स होती हैं मल्टीपल ऑप्शन होते हैं जिन्हें हम सिलेक्ट कर सकते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एक मेन्यू में मल्टीपल कमांड्स होते हैं जिन्हें सेलेक्ट किया जा सकता है तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एक मेन्यू में मल्टीपल कमांड्स होते हैं जिन्हें सिलेक्ट किया जा सकता है देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका प्रयोग एक्सेल वर्कशीट के सेल डेटा को एडिट करने के लिए किया जा सकता है निम्नलिखित में से किसका प्रयोग एक्सेल वर्कशीट के सेल डेटा को एडिट करने के लिए किया जा सकता है इस क्वेश्चन का आंसर हमने आज की वीडियो में ही समझा है हमने एक क्वेश्चन और देखा था आज ही जिसमें हमसे पूछा गया था सेल कंटेंट को एडिट करने की शॉर्टकट की क्या होती है यदि हमें एम एस एक्सएल में सेल के कंटेंट को एडिट करना है तो हम तीन तरीके से कर सकते हैं एक तो एफ टू फंक्शन की से शॉर्टकट की से दूसरा सेल पर डबल क्लिक करके और तीसरा फॉर्मूला बार से एमएस एक्सएल में सेल का जो डेटा होता है जो कंटेंट होता है उसको एडिट करने के तीन ऑप्शन होते हैं एफ टू फंक्शन की या सेल पर डबल क्लिक करके या फार्मूला बार से तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए फॉर्मूला बार एम एस वर्कशीट के सेल डेटा को एडिट करने के लिए फार्मूला बार का उपयोग किया जा सकता है देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है ऑपरेटिंग सिस्टम के संबंध में जी का फुल फॉर्म क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के संबंध में जी का फुल फॉर्म क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कि हमारे कंप्यूटर का मेन सॉफ्टवेयर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना हमारा कंप्यूटर सिस्टम ऑन नहीं हो सकता है मतलब बूट नहीं हो सकता है तो हमारे कंप्यूटर सिस्टम का एक मेन सॉफ्टवेयर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम हमसे क्वेश्चन पूछा गया है ऑपरेटिंग सिस्टम के संबंध में जी का फुल फॉर्म क्या होता है जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वह दो इंटरफेस पर वर्क करते हैं एक होता है सीयूआई और एक होता है जी यू का फुल फॉर्म होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस कैरेक्टर यूजर इंटरफेस जबकि जी का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं है, वह दो इंटरफेस पर वर्क कर सकते हैं या तो सी पर या जी पर सीयूआई का फुल फॉर्म होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस और जी का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जी का फुल फॉर्म ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन है डेटा और प्रोग्राम के टेम्परेरी स्टोरेज के लिए प्रयोग की जाने वाली कंप्यूटर मेमोरी को क्या कहा जाता है डेटा और प्रोग्राम के टेम्परेरी स्टोरेज के लिए प्रयोग की जाने वाली कंप्यूटर मेमोरी को क्या कहा जाता है एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया है जो कि कंप्यूटर मेमोरी से संबंधित है डेटा और प्रोग्राम के टेम्परेरी स्टोरेज के लिए उपयोग की जाने वाली कंप्यूटर मेमोरी को क्या कहा जाता है मतलब ऐसी मेमोरी हमें बतानी है जो कुछ देर के लिए टेम्प्रेरी रूप में डेटा को स्टोर करती है वह होती है रैम मेमोरी रैम रैम जो कि एक प्राइमरी मेमोरी होती है जिसे मैन मेमोरी भी कहा जाता है रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी रैंडम एक्सेस मेमोरी जो कि एक बोलेटाइल मेमोरी होती है बोलेटाइल मतलब अस्थाई मेमोरी होती है रैम में डेटा को कुछ देर के लिए स्टोर किया जाता है टेम्परेरी रूप में स्टोर किया जाता है जब तक कंप्यूटर सिस्टम ऑन रहता है तब तक रैम में डेटा स्टोर रहता है कंप्यूटर सिस्टम के ऑफ होने पर रैम से डेटा डिलीट हो जाता है जब भी हम किसी फाइल या किसी सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं तो वह टेम्परेरी रूप से रैम में स्टोर हो जाता है तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रैम रैम जो की एक प्राइमरी मेमोरी है मेन मेमोरी है रेंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है यह एक बोलेटाइल मेमोरी होती है मतलब अस्थाई होती है जो कि कुछ देर तक डेटा को स्टोर करती है जब तक कंप्यूटर ऑन रहता है तब तक रैम में डेटा स्टोर रहता है कंप्यूटर को ऑफ करने पर रैम से डेटा डिलीट हो जाता है तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपको दो क्वेश्चन और तैयार करने हैं रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी होता है और ईपी रोम का फॉर्म एरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है एरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रैम देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन है डिवाइसेस जो कंप्यूटर से जुड़े होते हैं जैसे मॉनिटर या कीबोर्ड क्या कहलाते हैं डिवाइसेस जो कंप्यूटर से जुड़े होते हैं जैसे मॉनिटर या कीबोर्ड क्या कहलाते हैं हमसे क्वेश्चन पूछा गया है वह डिवाइसेस जो कंप्यूटर से जुड़ी होती हैं जैसे कि कीबोर्ड, माउस मॉनिटर, वह क्या कहलाते हैं इन सभी डिवाइस को बोला जाता है पेरिफेरल डिवाइसेस। पेरिफेरल डिवाइसेस मतलब ऐसी डिवाइसेस जिनको हम कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट करते हैं डिवाइसेस जो कंप्यूटर सिस्टम से जुड़े होते हैं या जोड़े जाते हैं जैसे कि कीबोर्ड मॉनिटर माउस वह पेरिफेरल डिवाइसेस कहलाते हैं इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर सी मतलब पेरिफेरल डिवाइसेस कंप्यूटर सिस्टम से जोड़ी जाने वाली डिवाइसेस जैसे कि कीबोर्ड, मॉनिटर माउस पेरीफेरल डिवाइसेस कहलाती हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी तो आज की वीडियो में हमने सीपीसीटी एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझा है जब हम एक क्वेश्चन को समझते हैं तो उससे संबंधित हमें कई क्वेश्चन और भी तैयार करने मिल जाते हैं आप सभी क्वेश्चन को नोट जरूर करें पढ़े समझें यदि आपका कोई क्वेश्चन है कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें ज्यादा से ज्यादा शेयर करें मिलते हैं अगली वीडियो में धन्यवाद